सो हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, चीचे बेबिन अभिक्रिया। क्या होती है ये वेरी इंपॉर्टेंट है बीएससी के लिए और एमएससी के लिए, बीएससी फाइनल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, क्विनोलिन को सोडामाइड के साथ गर्म करने पर इसका एमिनीकरण होगा, एमिनीकरण हो जाता है, जिससे क्या बनेगा, 2-एमिनोक्विनोलिन प्राप्त होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, चीचेबिन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो देखो एक बार क्विनोलिन का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे क्विनोलिन का सूत्र होगा बेंजीन रिंग ये, ठीक है, और इसके साथ ये समूह और जुड़ जाए और ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, क्विनोलिन, क्या कहा जाता है, क्विनोलिन। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडामाइड, सोडामाइड का सूत्र होता है NaNH2, इसको क्या बोलते हैं, सोडामाइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर क्या होगा, निर्जलीकरण होगा, जिससे क्या बनेगा, 2-एमिनोक्विनोलिन का निर्माण होता है। यहाँ से हम जब गर्म करेंगे तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से H है, ये H तो इस सोडियम के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है, NaH बनाएगा और इसके साथ ही जुड़ जाएगा, तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो ये N और यहाँ पे क्या आ गया, NH2, ठीक है ना, तो ये वैलेंस ये फ्री थी, इसमें जगदा फ्री थी, इसकी जगह NH2 जुड़ गया, इसे ही क्या बोलते हैं, 2-एमिनोक्विनोलिन, क्या बोलते हैं, 2-एमिनोक्विनोलिन कहा जाता है। तो ये 2-एमिनोक्विनोलिन की जो पूरी प्रोसेस है, इसे ही क्या बोलते हैं, चीचेबिन अभिक्रिया कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही था, यदि समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताएं, नहीं आया तो भी बताएं, जिससे मैं आपको दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।